Hello and welcome back to Empower Tutoring. Dear students, in the previous video of Geography chapter Agriculture, we have discussed about the importance and the factors that affect agriculture. Now today in this video, we are going to learn few more topics based on it. So, the first is types of farming. See, the type of farming depends upon few of the factors. किस जगह में किस तरीके की farming की जानी है, ये कुछ factors के ऊपर depend करती है. जैसे, पहला factor है कि वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, किस कंट्री का कैसा ज्योग्राफी है, कैसे वहां की क्लाइमेट है, कैसा वहां का लैंड है, उन सब फैक्टर्स पर फार्मिंग डिपेंड करती है. सेकंड पॉइंट है कि जो भी चीज का प्रोडक्शन किया जाना है उसकी वहां पर मार्केट में कैसी वैल्यू है, कैसी डिमांड है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप which is grown in that area. तो अगर डिमांड ज्यादा है तो उस तरीके से उसकी फार्मिंग की जाएगी, डिमांड कम है तो उस तरीके से उसकी फार्मिंग की जाएगी. इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, किस तरीके की लेबर अवेलेबल है, क्या जो भी क्रॉप प्रोड्यूस करना है उसके लिए जो लेबर की रिक्वायरमेंट है, जितने नंबर ऑफ पीपल चाहिए, वो वहां पर इजीली अवेलेबल है या नहीं है. इसके बाद लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जो भी क्रॉप को प्रोड्यूस करना है उस क्रॉप के प्रोडक्शन में किन किन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है और क्या वो सारे टेक्निक्स, वो सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो हैं वो उस जगह में आसानी से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि फार्मिंग किस तरीके की जानी चाहिए. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेनली ये फार्मिंग दो तरीके की होती है. वन इज द सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द अदर इज द कमर्शियल फार्मिंग. नाउ लेट्स सी व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. द फर्स्ट पॉइंट सेज हियर, फार्म्स दैट आर ऑपरेटेड टू मीट द नीड्स ऑफ द ओनर्स विद लिटिल और नो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस्ड. इट मीन्स whatever a farmer is growing, whatever crop is produced in the farms by a farmer can only feed his family only. yani aisi farming jo keval farmers apne khane ke liye hi karte hain, yani unke paas itna hi jo crop hai wo produce hota hai jisse ki wo keval apni family ko feed kar paaye, then such kind of farming is called subsistence farming. इसमें क्या है, एक बहुत छोटा लैंड ऑफ पीस होता है, पीस ऑफ लैंड है जहां पर कि फार्मर जो है क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं. then subsistence farms usually involve small tracts of land, जैसा कि मैंने अभी बताया, like suppose अगर हमें अपने टेरेस पर हमने कोई वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर लिए, कुछ फ्रूट्स प्रोड्यूस कर लिए, तो ऑब्वियसली बात है दैट व्हाटएवर प्रोड्यूस प्रोडक्शन वी विल बी गेटिंग विल ओनली बी सफिशिएंट फॉर आवर फैमिली. तो सच काइंड ऑफ फार्मिंग इज नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. विद दिस फार्मिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डज नॉट इंक्रीज. अगर इस तरीके की फार्मिंग फार्मर्स करते हैं तो उससे उनको जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं हो पाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया वो केवल उनकी फैमिली को फीड करने के लिए है, तो वो उसको उनके पास इतना एक्स्ट्रा होता नहीं जो उसे बेचें और उससे पैसा कमाएं, तो इसलिए उनका बहुत गुजारा मुश्किल से होता है. तो थर्ड पॉइंट से सब्सिस्टेंस फार्म्स आर लेबर इंटेंसिव, दे यूज पीपल मोर देन मनी और मशीनरी. तो यहाँ पर पैसा कम यूज होता है, मशीनरीज का यूज नहीं होता है और केवल जो घर वाले हैं वो ही मिलकर के क्रॉप को प्रोड्यूस कर लेते हैं. नाउ दिस सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अगेन ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. द
This kind of farming is found in the parts of equatorial and tropical forests where people they make use of simple tools and produce the food for their need. People ज़्यादातर जो इस तरीके की फार्मिंग है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये ट्रॉपिकल रीजन्स में और इक्वेटोरियल रीजन्स में हमको देखने को मिलती है जहाँ पर कि जो फार्मर्स हैं जो लोग हैं वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए फार्मिंग करते हैं या क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं. जो टूल्स वो यूज करते हैं वो बहुत सिंपल टूल्स ऐसे होते हैं जो वहीं उन्हें आसपास के रीजन में मिल जाते हैं और इससे बस केवल इतना ही खाना उगाया जा सकता है, इतनी ही फार्मिंग हो पाती है जिसमें कि वो अपने फैमिली का पेट पाल सके. इसकी जो इरिगेशन है वो डिपेंड करती है रेनफॉल के ऊपर क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं और ऐसी फार्मिंग में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का या नए टेक्नोलॉजीज का तो यूज़ बिल्कुल ही नहीं किया जाता है. तो ये जो है ये है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इसके बाद जो दूसरे तरीके की फार्मिंग है वो कई सारे नामों से जानी जाती है. उसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न या झूमिंग. ये तीन नाम है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो दूसरा टाइप है उसके. ये तीन नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग या शिफ्ट स्लैश एंड बर्न. इसमें क्या करते हैं किसी एक ग्राउंड के पैच को किसी एक ग्राउंड के पीस को फायर कर दिया जाता है, उसमें आग लगा दी जाती है, इसीलिए उसमें नाम भी दिया गया है स्लैश एंड बर्न. और फिर उसमें कल्टीवेशन किया जाता है ना. तो जो कल्टीवेटर हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो बार बार शिफ्ट करते रहते हैं, नए नए पैचेस पे शिफ्टिंग करते रहते हैं. तो इसीलिए इसको जो नाम दिया गया है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है. ट्रीज वगैरह को हटाने के लिए या जो लैंड है उसको क्लीन करने के लिए वहां पर आग लगा दी जाती है, फिर जो उसकी राख रह जाती है उसको सॉइल के साथ मिक्स किया जाता है और कुछ क्रॉप्स वहां पर उगाए जाते हैं जैसे कि मेज है, पोटैटोज हैं, कसावा है, इस तरीके के क्रॉप्स को वहां पर प्रोड्यूस किया जाता है. जब जो लैंड है बार बार जब यही प्रोसेस रिपीट की जाती है तो एक समय के बाद वहां का जो लैंड है वो इनफर्टाइल होना शुरू हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है एंड देन दीज फार्मर्स दे शिफ्ट टू अ न्यू पीस ऑफ लैंड. फिर वो एक नए लैंड पर चले जाते हैं और वहां पर इस तरीके से करते हैं, यानी जंगलों को खाली करते हैं और फार्मिंग करते हैं. जब वो इनफर्टाइल हो जाता है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं एंड देन दीज दे कीप ऑन डूइंग सो. तो इसीलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है. तो ये जो है एक और टाइप है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का. अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे टाइप की फार्मिंग की जो है कमर्शियल फार्मिंग. टिल देन आप यहां तक पढ़िए जानिए और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के